साइकिल निशान मिलने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन का जल्दी कर सकते हैं ऐलान। परिवार में जारी कलह को निपटाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब राज्य विधानसभा चुनाव के पहले अपने जरूरी काम में की तरफ बढ़ गए हैं, यानी कि वो उस गठबंधन की तैयारी में जुटे हैं जो उनके मुताबिक प्रतिद्वंदियों मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साथ समझौते की घोषणा एक या दो दिन में कर दी जाएगी। 43 साल के अखिलेश यादव का इरादा यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल हासिल करना है, लेकिन वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ संघर्ष में उलझे हैं, जिन्होंने पुत्र से सलाह मशविरा किए बिना प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि इस निर्णय पर औपचारिक ऐलान एक दो दिन में कर दिया जाएगा। पार्टी में सर्वोपरि कौन है, इसका फैसला सोमवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कर दिया है और कहा कि क्योंकि अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी के अधिकतर सदस्यों का समर्थन है, इसलिए वही संगठन के सर्वेसर्वा हैं और उनके पिता द्वारा लगाया गया विद्रोह का आरोप गलत है। इस जीत से तय हो गया है कि युवा मुख्यमंत्री ही पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को इस्तेमाल करने के अधिकारी हैं, जिसे मतदाता पहचानते हैं। अपने पिता को पूरा सम्मान देने की बात पर अड़िग रहे अखिलेश ने सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले की घोषणा के बाद उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्वीट की। मालूम हो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव हमेशा से हिमायती रहे हैं और उनका कहना है कि वैसे तो समाजवादी पार्टी अकेले ही यूपी में बहुमत से सरकार बना सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो वो 403 सीटों में से 300 सीट जीत सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भी अखिलेश के इस बयान पर सहमति जताई है। कैमरामैन सनोज शर्मा के साथ हुसैन सिद्दीकी, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।